सारे जो टूरिस्ट हैं वो लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से। अभी बस यहाँ पर वो जो लास्ट गाड़ी है वो रह गया और अपना बाइक। ऊपर वाले पहाड़ देखिए एकदम ये से भरा हुआ है ना, और एकदम सामने है तो कितना मजेदार लग रहा है। ये देखिए शायद -7 और 8 डिग्री होगा और ऐसा लग रहा है कि So guys, here we are at Bumla Pass, 15,200 feet achieved. और ये चारों तरफ का व्यू, और सबसे बेहतर चीज़ आपको अभी दिखाता हूँ वो जो जगह आपको दिख रहा होगा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जगह बिल्कुल चमक रहा है क्योंकि ऊपर से धूप गिर रहा है यहाँ पे। देखिए A few inches later. अंदर गए थे, पूरा वो साइड दिखा है हमने अपने को, एक व्यू दिया क्योंकि मौसम अचानक खराब हो गया तो हम लोग ज़्यादा वीडियोस वगैरह भी नहीं कर पाए। और जो है सारे टूरिस्ट निकल गए, और ये देख सकते हैं आप लोग हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है। तो सारे जो टूरिस्ट हैं वो लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से। अभी बस यहाँ पर वो जो लास्ट गाड़ी है वो रह गया और अपना बाइक। यहाँ पे और दो बाइक्स थे, वो लोग नागांव से आए थे, बात किया था उनके साथ, वो लोग पहले ही निकल गए, बहुत सुबह सुबह आए थे तो अपने को थोड़ा टाइम लग गया फ़ोटो वीडियोस बनाने में। और वहाँ पे हम लोग गए, फिर मैगी भी खाया। और तब तक दे मतलब जब हम लोग आए थे आप लोग पहाड़ वगैरह देख सकते थे, लेकिन अभी एकदम कोहरा कोहरा हो गया है। तो अभी ये जगह आपको ऐसे भी नहीं दिखाता हूँ, सीधे आपसे जहाँ से ये जो मौसम है सही होता है वहीं से दिखाता हूँ। सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो है हम लोग थोड़ा नीचे आ गए हैं, यहाँ पे जो वेदर है तो थोड़ा क्लियर है ऊपर के मुताबिक, इसलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। अभी वहाँ पे सब कुछ सही था लेकिन अचानक मतलब पूरा वेदर चेंज हो गया, स्नोफॉल वगैरह भी गिर रहा था हल्का हल्का, तो बस इसीलिए फटाफट निकल गया। बाद में अगर ज़्यादा स्नोफॉल आ जाता तो अपने को प्रॉब्लम हो जाता इसीलिए, लेकिन अभी सर कुछ ठीक है। अभी जैसे कि धूप आया है थोड़ा सा और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है तो अपने को बहुत ज़्यादा अभी जर्नी करना बाकी है आज के लिए। अगर पीटी से लेक के वहाँ पे फॉग वगैरह अभी नहीं रहता तो रुक के आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन अगर फॉग मिलता है तो वहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि फॉग की वजह से ऐसे भी रुक के कोई फ़ायदा होगा है नहीं। तो बस इसी यही है कहानी। तो लास्ट बार ये देख कर तो पता चल ही गया होगा आप लोग को, तो हम लोगों ने भी सोचा अगर वैसा ही वेदर रहता है तो हम लोग नहीं जाएंगे संगेश्वर लेक। लेक की बात करते करते यहाँ भी एक लेक आ गया, तो बस वही था कहानी। लेकिन अगर वेदर वगैरह सही होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, 12 भी नहीं बजे अभी, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। सो ऊपर गाइस बुमला में ना अपने को बहुत सारा मतलब शॉट वगैरह लेना था, कुछ तो हम लोग जैसे पहुँच गए थे वहाँ पर ले लिया, और फोटोज़ मैं कहूँगा कि सारे ले लिए, फ़ोटोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे वीडियोस वगैरह भी लेना था थोड़ा और। लेकिन वो उन वहाँ पे जो आर्मी जवान थे उन्होंने भी कहा कि तुम लोग तो बाइक पे आए हो, तुम लोग जितना जल्दी हो सके चले जाओ, भी नीचे भी कितना नीचे उतरना है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसलिए फटाफट निकल आए। तो दो वीडियोज़ मैं नहीं शूट कर पाया, उसका थोड़ा अभी अफसोस हो रहा है, हाथ एकदम जम गया है, अभी नीचे उतर रहे हैं और स्नोफॉल हो रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। अभी जो है ना बहुत ठंडे बुमला में तो शायद -6 तक चला गया था, अभी यहाँ का कितना है पता नहीं क्योंकि इन जगहों पे नेटवर्क वगैरह भी ठीक से मिलता नहीं, किसी किसी जगह पे है तो किसी किसी जगह पे नहीं भी है। अभी हम लोग ऊपर में रुके थे जो लास्ट मतलब तीसरा वाला जो चेक पोस्ट था, तो उन्होंने रुकने के लिए बोला सिटी वजह हम लोग रुक गए, तो जो पास था वो उन्होंने वही जमा रख लिया, वो वही जमा रहेगा, हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और मैं ना मतलब मेरा जुबान ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ये देखिए बर्फ़ गिर रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब छोटी छोटी बूंदी गिर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है। तो ठंड बहुत है, मतलब सेला पास में आते वक्त जैसा ठंड लगा था ना तब तो मेरा ग्लव्स भी पतला था, लेकिन अभी ये तो थोड़ा मोटा है, इसमें जाते ऊपर जाते हुए कितना प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठंड लगा लेकिन अभी तो नेक्स्ट लेवल ठंड लग रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी भी बहुत है ठंड।
सो यहाँ का वेदर थोड़ा बेटर है, तो इस वाई इंटरसेक्शन से हम जा रहे हैं माधुरी लेक। सो गाइज यहाँ का मौसम जो है क्लियर है, तो बीच में मैंने जब वो स्नोफॉल वगैरह गिरना शुरू हो गया था और मतलब एकदम कोहरा हो गया था, तो मैंने सोचा कि ऐसे में वहाँ पे जाए फिर तो 20 किलोमीटर जाके फिर 20 आना भी पड़ेगा, तो नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर जब थोड़ा नीचे उतरा तो थोड़ा ये दिखा, फिर हम लोग ने सोचा कि चलो अभी अगर मौसम अच्छा है तो चले जाते हैं, क्योंकि इन सब जगहों में रोज़ रोज़ आना तो नहीं होता ना, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं माधुरी लेक की तरफ। अभी यहाँ से कितना किलोमीटर है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को एक भी माइलस्टोन अभी तक दिखा नहीं है। सो गाइस ऊपर वाले पहाड़ देखिए, एकदम ये से भरा हुआ है ना, एकदम सामने है, तो कितना मज़ेदार लग रहा है। तो जैसे कि हम लोग बुमला में ऊपर गए तब भी मेरे इतना नहीं फटा, मेरी इतनी नहीं फटी अभी जितनी फट रही है, क्योंकि तभी से जो है ना ठंड है बहुत, हाथ एकदम सिकुड़ गए हैं, तो ब्रेक को ऐसे जैसे पकड़ना बहुत दर्द हो रहा है। कितना डिग्री है पता नहीं, नेटवर्क वगैरह तो नहीं आ रहा था, और यहाँ पे जो है आइस का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लैक आइस वगैरह है बीच बीच में, तो हमें बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। शेट 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 शेट। फाइनल नाम मेल पर ठेला दे तो बारा ना। हाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये जगह, और जो बंदों को मैंने अभी देख के बोला कि हो गया, तो वही लोग थे जब हम लोग बुमला में जब गए थे तभी उनसे मुलाकात हुआ था। तीन लोग थे वो लोग, वो नागांव से आए हैं, तो वो हमसे पहले ही बुमला में थे जब हम लोग अंदर घुसने वाले थे, मतलब टूर के लिए, तब तक वो लोग निकल गए थे, तो तब तक वो लोग ये भी यहाँ आकर भी देख ले उन लोगों ने, और हम अभी जा रहे हैं। इसको माधुरी लेक भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम संगेच्छा लेक है। इसमें एक शूटिंग करने के लिए माधुरी लेक से आए थे, तब से लोग माधुरी लेक भी कहने लगे। तो यहाँ का जो रास्ता था ना बहुत चैलेंजिंग था, मतलब क्या बताऊँ, मैं बुमला भी गया वहाँ पे अच्छे रास्ते थे ना, लेकिन यहाँ पे एकदम कीचड़ वगैरह टूटे वूटे रास्ते थे, तो ये सबसे मतलब सबसे टफ था यहाँ पे राइड करना। तो चलिए आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अभी आपको दिखाया, सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह भी दिखाया, अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। यहाँ पे भी वेदर वैसे ही हो गया है, हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, तो अभी सीधे तहांग की तरफ चलते हैं।
रास्ता आपको नहीं दिखाऊंगा, सीधे आपसे मिलता हूँ। बीच में क्या है कि मेरा ये भी फुल हो गया था, और अभी हम लोग देख सकते हैं आप लोग एकदम स्नोफॉल के बीचों बीच में फंस चुके हैं। अभी क्या बताएं, अभी सब कुछ चेंज कर लिया है, अभी निकलते हैं यहाँ से। तावांग तो 20 किलोमीटर है, पहुँच ही गए तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही चेंज कर लिया है। सो गाइस, अभी हम लोग पीडीसो लेक में आए थे। गोप्रो एकदम क्या हुआ, मेमोरी फुल हुआ क्या, नहीं पहले को दिखा नहीं तो आने वाला, तो मेरे को लगा मेमोरी फुल हुआ, मेमोरी तो चेंज किया आप लोग को दिखाया, लेकिन एक्चुअली में बैटरी भी डाउन हो गया, लेकिन पावर बैंक सही से काम कर रहा है तो पता नहीं। अभी यहाँ का तो कुछ दिख नहीं रहा है, अभी अभी जब हम लोग ये जो रास्ता पीछे देख रहे हैं यहाँ से पास हो रहे थे तो दिख रहा था, तो सोचा आप लोग को सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह दिखा दूँ, क्योंकि कहा ही था जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो तब तो नहीं दिखा पाएंगे, आते वक्त दिखा देंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभी यहाँ दिख नहीं रहा है कुछ, अचानक से फॉग हो गया, देखता हूँ क्या होता है। स्नोफॉल गाइस, स्नोफॉल अच्छे से देखिए, ड्यूक भी भर गया है, ये देखिए। शायद -7 or 8 degrees होगा, और ऐसा लग रहा है कि मेरे गायब हो गए। A few moments later. So here we are guys, अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं पिक बुद्धा स्टैचू। अभी वेदर जो है थोड़ा यहाँ पे फॉगी फॉगी सा है, तो सब कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह में दिखाता हूँ। सो गाइस, सारे शॉट्स वगैरह आपको दिखाया, जितना अच्छा हो सके दिखाया, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे बारिश वगैरह आ गया है, तो हम लोग का जो एक लास्ट डेस्टिनेशन रह गया, तो इसके बाद हम लोग जाने वाले थे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तो अभी तो फॉगी फॉगी सा हो गया वेदर, और अपने होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कल जब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे तभी चले जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक मैं रखूँगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ कहना तो कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कम बी यंग एंड ऑलवेज राइड सेफ, गुड बाई।